तो आप कोर्ट परिसर की तस्वीर देख रहे हैं जहां की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों के लिए ईडी को रिमांड पर जो है फिर से जो है कोर्ट से जो है मिला है। और देखिए आप किस तरीके से जो उनके वकील हैं ईडी की तरफ से वकीलों का क्या कुछ कहना है, और वही जो हेमंत सोरेन के तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं महाधिवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उनको प्रॉपर सुविधाएं वहां पर नहीं दी जा रही है। ईडी से जो पूछताछ के दौरान उनको जो है बंद कमरे में रखने की बात सामने आ रही है, जिसमें कि वेंटिलेशन भी नहीं है। कुछ अधिवक्ताओं ने कहा है आज के 5 दिन के कोर्ट के रिमांड अवधि बढ़ाए जाने पर, क्योंकि पहले 5 दिन और फिर से 5 दिन आज से जो है पूछताछ ईडी करेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा है। या कुछ आप देखिए, ये 5 दिनों की रिमांड ग्रांट की गई है। क्या ग्राउंड दिया गया? ग्राउंड ये दिया गया कि अभी जमीन की रिगार्डिंग जो भी पूछताछ करनी थी वो खुलकर कोई भी बातें सामने नहीं आई है, कुछ और चीज़ें पूछनी बाकी रह गई है। इस बात को लेकर फर्दर 7 दिन के रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें 5 दिन की रिमांड अलाउ की गई है कोर्ट के द्वारा। आप ईडी की तरफ से? मैं वहाँ पर मौजूद था। ईडी वालों के द्वारा पक्ष में यही रखा गया ना कि जो भी जमीन के रिगार्डिंग जो भानु प्रताप के कस्टोडियन से जो पंजी 2-11 ट्रंक पाया गया था उनके घर से, उसमें ये बातें आई हैं कि उसमें हेमंत सोरेन की जो संलिप्तता है, उनके परिवार या उनके नाम से जमीन है, उसके रिगार्डिंग पूछताछ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। उसी बात को लेकर फर्दर 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें से 5 दिन का रिमांड अभी कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया है। एक बात और सामने आई कि बेसमेंट में रखने की बात सामने आ रही है, प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इस पर कोर्ट की तरफ से टिप्पणी हुई है या फिर कोई डिमांड किया गया? क्या डिमांड नहीं किया गया, कोर्ट ने हेमंत सोरेन साहब से पूछा कि बातें क्या हैं, उनके द्वारा खुद यह रखी गई बातें, तो उन्होंने खुद से बताया कि हमें अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही है, बढ़िया से नहीं रखा जा रहा है। बट इस रिगार्डिंग कोर्ट ने जब पूछताछ किया तो यह बताया गया कि नहीं, इनको पूरा सुविधा दिया गया है, अच्छे से रखने की बातें आई हैं और ढंग से रखा गया है। फर्दर डायरेक्शन दिया गया है कि जो है अच्छा तरह से रखा जाए, ये बातें कोर्ट के द्वारा बताया गया, बोला गया। अब यहाँ से सभी ईडी ऑफिस के लिए गए या फिर न्यायिक हिरासत से जाएंगे? नहीं, अभी ईडी ऑफिस के लिए गए, क्योंकि ये रिमांड कंटिन्यू रहेगा, आज से ही रिमांड कंटिन्यू। पहला दिन पाँच दिन और पूछताछ होगी। कुछ बता रहे थे हेमंत सोरेन के तरफ, वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है और प्रॉपर जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये बातें रखी गई थी। अच्छा, ये भी बातें सामने आई विनोद सिंह को लेकर के, कुछ चैटिंग जो है ईडी की तरफ से रखी गई थी, वो क्या? चैटिंग की बातें तो आई हैं, जिसमें ये बोला गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं, ईडी वालों ने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किया गया है, जिसमें ये बातें आई हैं कि विनोद सिंह और हेमंत सोरेन साहब के बीच में कुछ चैटिंग हुई थी रिगार्डिंग ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग को लेकर, उससे पूछताछ, उसके रिगार्डिंग भी पूछताछ की जानी बाकी है, इसी बात को लेकर रिमांड मांगने की बात हुई थी। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जमीन को लेकर? ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग। यस, उसमें भी कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के भी कुछ बातें सामने बिल्कुल हुई है, बट अभी वो चूंकि कोर्ट को कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं और दैट इज ओनली फॉर द पेरुजल ऑफ द कोर्ट। कितने पन्ने का है, कुछ अंदाज लगा है? 39 पेजेस का ईडी ने दाखिल किया है। यस, जिसमें चैटिंग की बात हुई है, उसमें 39 पेज की चैटिंग की बातें हुई, जो कि विनोद सिंह और हेमंत सोरेन साहब के बीच में चैटिंग की बात है। तो 5 दिन अभी फिर पूछताछ करेंगे। यस, ये हेमंत सोरेन ने जो कहा बेसमेंट में रखा जा रहा है, तो उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश ईडी को दिया गया? कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, पूर्व में ही दिशा निर्देश दी जा चुकी थी कि कोई भी मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाना है, प्रॉपर वे पे पूछताछ की जानी है, उसी को कंटिन्यू किया गया है कि फर्दर कोई टॉर्चर ना हो, कोई मेंटली फिजिकली टॉर्चर ना हो और अच्छे से रखा जाए, इसी बात को लेकर। ये आप सर किन की तरफ से? मैं वहाँ पर मौजूद था, पूरे इंटायर प्रोसीडिंग को वॉच कर रहा था। Investigation beyond the predicate offence matter, which is now we have been time and again we have been saying this, that they are not confined to the predicate offence and they have no power and jurisdiction to investigate anything beyond the predicate offence. FIR has been caused for the particular purpose of 8.5 acres of land which is there in the schedule offence which they allege. का रिमांड मिला है, हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8-8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इस सिलसिले में, और इस पाँच दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं, इन्होंने ऑलरेडी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस डेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में, फिर भी वो
जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो जमीन के कागज से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसके उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है किया है, हम लोग इस पर देखते हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया, ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है, ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी ये रिमांड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती, हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें, और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में, हमने ये भी कहा कि वो सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है, और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है, इसके सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है, ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।